हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 6, जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए, विषय आपका हिंदी है, डेट है इसकी 8 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट आपकी 20 मार्क्स की है। प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के आपको 1 मार्क के हैं, 5 से 6 2 मार्क के हैं और 7 से 10 आपके 3 मार्क्स के हैं। आपको साखियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये जो आपके साखियाँ हैं, ये हमने वर्कशीट्स में भी कर रखा था, तो हम इनमें क्वेश्चंस करेंगे और बस इन्हें पढ़ेंगे। आवतगारी एक है, उलटत हुई अनेक, कह कभी नहीं उलटिए वही एक की एक। माला तो कर मैं फिरे, जिबी फिरे मुखमाही, मनवा तो दहुदसी फिरे, ये तो सुमरन नाही। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कर शब्द का पारिवाची शब्द होगा तो कर शब्द का पारिवाची आपका हाथ हो जाएगा। दहुदिसी में विशेषण शब्द हमारा दहु है। साध्वी शब्द का पुल्लिंग होगा तो साध्वी हो जाएगा, साधु। माला शब्द का बहुवचन मालाएं हो जाएगा, तो आप इसमें मालाएं लिख लेंगे। नेक्स्ट है, ऊपर की साखी में 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए, तो 2 संज्ञा शब्द आप ही लिखेंगे। यहाँ से आप 2 संज्ञा शब्द लिख लेंगे। पहला फर्स्ट क्वेश्चन का तो हाथ हो जाएगा, सेकंड का दहू, थर्ड का साधु, फोर्थ का माला है और फिफ्थ में 2 संज्ञा साखी में से 2 संज्ञा शब्द लिखने थे, तो पहला कर, दूसरा माला। और जो 6th क्वेश्चन है उसमें बोला गया तलवारबाज शब्द में आपको प्रत्यय और मूल शब्द को चुनकर लिखना है, तो इसमें आप लिखेंगे प्रत्यय इसमें बाज हो जाएगा और मूल शब्द तलवार हो जाएगा, तलवार बाज, तो आप इसे कर लेंगे। 7th क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण में कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो जो कबीर जी हैं वो कहना चाहते हैं हमें व्यक्ति के जाति या धर्म को नहीं उसके गुणों को महत्व देना चाहिए, तो आप इसे कर लेंगे। 8th क्वेश्चन है, दूसरी साखी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें बदले में उसे अपशब्द नहीं कहना चाहिए, जिससे कि विवाद से बचा जा सकता है। तो दूसरी साखी का यही अर्थ है कि हमें कोई गाली दे, हमें कोई अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस नहीं देना चाहिए, हमें लड़ाई से बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट लड़ाई वही होती है जो कभी लड़ी ना जाए। 9th क्वेश्चन है, मनवा तो दहुदसी फिरे, ये तो सुमरन नाही, से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान का ध्यान लगाते समय भी हमारा मन शांत ना रहकर 10 दिशाओं में घूमता रहता है, तो ये तो सिमरन नहीं है, यानी ये अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है। इसलिए हम कहते हैं कि जब ध्यान लगाएं मन में, भगवान के नाम जपें तो एकदम अच्छे से, क्योंकि अगर हम माला जप रहे हैं पर हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ध्यान फिल्मों में है और हम मुँह में हाथ में माला जप रहे हैं, मुँह में भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 10th क्वेश्चन है, उपरोक्त साखी में कौन सी साखी आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। तो हमें प्रथम साखी की सबसे अच्छी लगी, क्योंकि जिसमें बताया गया कि हमें व्यक्ति की जाति या धर्म को ना देकर उसके गुणों को महत्व देना चाहिए, तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कम्प्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।